नमस्कार। आज हम स्टार्ट करेंगे जो कि लास्ट लेसन है इकोनॉमिक्स का। नाइन्थ क्लास की एनसीईआरटी चली हुई है। नाइन्थ क्लास एनसीईआरटी है, उसका इकोनॉमिक्स का पार्ट हम कर रहे हैं। उसका फोर्थ लेसन है, मतलब लास्ट लेसन है, भारत में खाद्य सुरक्षा की। खाद्य सुरक्षा जो एक वर्ड है, इसका मतलब क्या है? खाद्य सुरक्षा का अर्थ क्या? सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, उपलब्ध भी होना चाहिए, पहुंच भी होनी चाहिए, रिचनेस भी होनी चाहिए, उसे प्राप्त करने में सामर्थ्य भी होना चाहिए कि इतने पैसे भी हो कि हम खरीद पाए। जब भी अनाज के उत्पादन और उसके वितरण की समस्या आती है तो सहज ही निर्धन परिवारों से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो खाद्य जो सुरक्षा है, सामाजिक वितरण प्रणाली, शासकीय सतर्क जो सतर्कता है, खाद्य सुरक्षा के खतरे की स्थिति में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही पर निर्भर करती है। खाद्य सुरक्षा क्या है? जीवन के लिए भोजन उतना ही आवश्यक है जितना कि सांस लेने के लिए वायु की जरूरत होती है। लेकिन खाद्य सुरक्षा मात्र 2 जून का, जो मतलब 2 टाइम का कि जून की रोटी पाना ही नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। खाद्य सुरक्षा के लिए निम्नलिखित आयाम है, जिसे इसमें 3-4 आयाम दिए हैं कि किस प्रकार खाद्य सुरक्षा होती है। खाद्य उपलब्धता का तात्पर्य देश में खाद्य उत्पादन, खाद्य आयात, सरकारी अनाज भंडारों से संचित पिछले वर्षों के स्टॉक से है कि पिछले वर्षों में कितना स्टॉक रहा है उसके उससे है कि खाद्य सुरक्षा क्या होती है। पहुंच का अर्थ है कि खाद्य प्रत्येक व्यक्ति को मिल रहा है क्या नहीं, मिलता रहे, मतलब इतनी रिचनेस होनी चाहिए। सामर्थ्य का अर्थ है कि लोगों के पास अपने भोजन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त और पौष्टिक भोजन खरीदने के लिए धन उपलब्ध होना चाहिए कि तभी वो मतलब एक ये माना जाएगा कि वो खाद्य सुरक्षा के सुरक्षित है। मतलब किसी देश की खाद्य सुरक्षा केवल तभी सुनिश्चित होती है तब सभी लोगों के लिए पर्याप्त खाद्य उपलब्ध हो, सभी लोगों के पास स्वीकार्य गुणवत्ता के खाद्य पदार्थ खरीदने की क्षमता हो और खाद्य उपलब्धता में कोई बाधा नहीं हो, तो तभी वो क्या कहा जा सकता है कि वो देश है खाद्य सुरक्षित है। खाद्य सुरक्षा क्यों जरूरत है, कि खाद्य सुरक्षा क्यों होनी चाहिए? समाज का अधिक गरीब वर्ग तो हर समय खाद्य सुरक्षा से ग्रस्त हो सकता है, असुरक्षा से ग्रस्त, परंतु जब देश में भूकंप जैसे गरीब तो होती ही है, फिर बताया कि जैसे मान लो कहीं भूकंप आ गया है, बाढ़ आ गई, सूखा आ गया है, सुनामी आ गई है, तो फिर वो लोग भी तो खाद्य सुरक्षा से असुरक्षित होंगे क्योंकि उनको एक टाइम के लिए उनके पास भी जो खाना है उन चीज़ों की कमी हो जाएगी, तो वो भी असुरक्षित होंगे उस टाइम के लिए। तो यहाँ पर ये कोई खास चीज़ें नहीं दी गई हैं, वही चीज़ें करेंगे जो पेपर के लिए ज़रूरत है, पेपर में आ सकती हैं, वैसी चीज़ों को नहीं करेंगे। खाद्य असुरक्षित कौन है, तो मतलब ये क्वेश्चन किया गया, जैसे खासतौर पर जो भूमिहीन होते हैं, जिनके पास भूमि कम है, वो खाद्य असुरक्षित है। पारंपरिक जो दस्तकार हैं और पारंपरिक जो सेवाएं प्रदान कर रही हैं, जैसे जिसके पास छोटा मोटा काम कर रही हैं, जो मतलब पारंपरिक रूप से जैसे कोई जूते बनाने का काम कर रहा है, कोई जूते जैसे मोची का काम कर रहा है, या फिर कोई जैसे दरिया बनाने का काम कर रहे हैं, तो वो इस तरह के हैं, या फिर निराश्रित या भिखारी हैं, जो भिखारी लोग हैं जो सड़कों पे स्टेशनों पे बैठे रहते हैं, तो वो है खाद्य असुरक्षित लोग। इसमें जैसे दो कहानियाँ दी है, जैसे रामू की कहानी दी है, जो कि एक गांव का एक सरपंच है, सरपंच के यहाँ नहीं, जो रामू है वो सरपंच नहीं है, वो सरपंच के यहाँ पाली का काम करता है। तो उसको खाने के बदले जैसे वो सारे दिन उसकी उसके पशुओं की देखभाल करता है, तो इस प्रकार उसको बदले में खाने के लिए अनाज मिल जाता है। ये बेंगलोर में एक ऑटो रिक्शा वाला है जो अपने परिवार के लिए काम करता है, तो उसके पास भी जैसे ऐसे ही खाने की असुरक्षा रहती है, तो उस पर उसकी कहानी दी गई है। ये भुखमरी का मतलब बताया है यहाँ पर कि भुखमरी खाद्य की दृष्टि से असुरक्षा को इंगित करने वाला दूसरा पहलू है। भुखमरी गरीब का एक व्यक्तिगत मात्र नहीं है, वह गरीबी लाता है। इस तरह खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित होने वर्तमान में भुखमरी
सुरक्षित होने से वर्तमान में भुखमरी समाप्त हो जाती है। भारत में खाद्य सुरक्षा के कारण का वो बताया है कि जो 70 के दशक में जब हरित क्रांति आ जाती है उसके बाद जैसे हमारा देश में क्या है कि थोड़ा बहुत खाद्य सुरक्षित हो गया है। फिर बफर स्टॉक का मतलब बताया है कि बफर स्टॉक क्या होता है। अब जैसे ये लेसन मैं जो करवा रही हूँ बस उस तरह से करवा रही हूँ कि एक एग्जाम की दृष्टि से क्या चीज़ें ज़रूरी हैं क्या चीज़ें ज़रूरी नहीं है। बेकाम की चीज़ों को करवाना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। बफर स्टॉक क्या है, बफर स्टॉक क्या है, बफर स्टॉक भारतीय खाद्य नियम इंडियन फूड कॉरपोरेशन के माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज गेहूं चावल का भंडार है। भारतीय खाद्य नियम अधिशेष उत्पादन करने वाले राज्यों से जैसे जो अधिशेष उत्पादन करते हैं मतलब ज़्यादा उत्पादन करते हैं राज्यों से किसानों से गेहूं और चावल खरीद लेता है और किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से घोषित कीमतें दी जाती हैं। जो पहले जो कीमतें घोषित की जाती हैं एक एमएसपी पे जो चीज़ें हैं वो खरीद लेता है। इस मूल्य को न्यूनतम समर्थित मूल्य यही है जो एमएसपी है। इन फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए उद्देश्यों से बुआई के मौसम में पहले सरकार के न्यूनतम समर्थित मूल्य की घोषणा कर दी जाती है। खरीदे हुए अनाज खाद्य भंडारों में रख दिए जाते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, जो अनाज खरीद कर भंडारों में रख दिए जाते हैं उसको क्या कहा जाता है, बफर स्टॉक कहा जाता है। यहाँ से है ना जैसे कुछ एक अलग चीज़ें हैं बस कर ही लेते हैं थोड़ा ही है, ज़्यादा इतना बड़ा नहीं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है वो क्या है, भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिप्राप्त अनाज जो यहाँ पर जो अनाज ले लिया था सरकार विनियमित राशन दुकानों के माध्यम से समाज के गरीब लोगों को जो वितरित करती है उसको क्या कहा जाता है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहा जाता है। अच्छा, उसमें देश भर में लगभग 5.5 लाख राशन की दुकानें हैं जो देश में जो राशन की दुकानें वहाँ पर उचित दर पर जो मतलब खाने की इसमें एक व्यक्ति को एक परिवार को 35 किलोग्राम अनाज 5 लीटर मिट्टी का तेल 5 किलोग्राम चीनी दी जाती है। इस प्रकार जैसे जो चीज़ें दी जाती हैं प्रोवाइड करवाई जाती हैं गरीबों के लिए उसको क्या कहा जाता है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहा जाता है। अच्छा, जो राशन कार्ड हैं वो भी 3 प्रकार के होते हैं। निर्धनों में भी जैसे जो निर्धन होते हैं लोगों के लिए जो अंत्योदय कार्ड बनते हैं तो वो राशन कार्ड होते हैं। फिर निर्धनता रेखा के नीचे लोगों के लिए जो बीपीएल कार्ड बनते हैं और अन्य लोगों के लिए एपीएल कार्ड जो अबव पावर्टी लाइन और ये बीपीएल बिलो पावर्टी लाइन जो कार्ड बनते हैं वो होते हैं। अच्छा, जो राशन व्यवस्था है भारत में जो शुरू करी गई थी वो कब की गई थी उसका ही जैसे वो बताया है कि जैसे 1940 में इसकी दशक में इसकी स्टार्टिंग की थी बंगाल में हरित क्रांति से पूर्व हुई जो खाद्य संकट के कारण 60 के दशक के दौरान राशन का जो प्रणाली है पुनर्जीवित थी। मतलब उससे पहले ही थी ये, क्या 1960 के बाद नहीं हुई है, उससे पहले ही थी। तो सबसे पहले जो ये बताया कि जैसे इस प्रकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली पहले से ही थी लेकिन उन्हें उसे और मजबूत कर दिया गया। एकीकृत जो बाल विकास योजना जो सेवाएं हैं वो प्रायोगिक करके 1975 में शुरू कर दी गई। काम के बदले अनाज वाली 1977-78 में आरंभ की गई। तो इस प्रकार गरीबी उन्मूलन जो पीएपी जो चल रहे हैं वो अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में ही हैं। तो इस प्रकार ये जो है एक पत्ती है 1940 से ही भारत में लागू है। ये यहाँ से ना कुछ स्कीम है इनको हम एक साथ इकट्ठा करेंगे, काफ़ी जैसे छोटी छोटी स्कीम है पर अच्छे से कवर करेंगे इनको। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।